महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। स्वागतही करतो आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित तुम्ही सर्व राहिलात। एक जातीय सौहार्द आणि धार्मिक सौहार्दाचं संदेश आपण आपल्या तालुक्यासाठी देत आहोत, आपलं सुद्धा अभिनंदन करतो। येणाऱ्या रमजान, जो नेक्स्ट इयरचा जो रमजान येईल, त्यावेळेस मी आता असं घोषित करतो की इफ्तार पार्टी आपण इथंच ठेवू, त्या पार्टीचा आयोजक आम्ही पोलीस स्टेशनतर्फे करू। आणि एवढं चांगलं आयोजन केल्याबद्दल सर्व आपण आणि आपली सर्व टीम तर मी धन्यवाद व्यक्त करतो। एक दिन मेरे को फोन आया सर का, सर कहने लगे कि भाई तुमको रोज़ा जो महीना चल रहा है अभी, तो इफ्तार पार्टी की तुमको हम हमारी तरफ से दावत है। तो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली मरतबा मतलब इफ्तार पार्टी जो है ना पॉलिटिशियन ने किया, बचपन से लेकर मतलब अभी तक, तो मुझे इसी बहुत बड़ी खुशी हुई। और वहाँ देखा हमने कि कलेक्टर अपने तहसीलदार साहब थे, गोपी साहब थे, आप नाम से तो कुछ ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ मैं, लेकिन लोग सब वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ के फरदापुर के सरपंच साहब थे, फोटे पुलिस पाटिल थे, सब थे, सब कार्यकर्ता वगैरह वहाँ जमा थे। तो मेरी इतनी बड़ी खुशी हुई कि चलो, फिर हमने वहाँ ही नमाज पॉलिटिशियन के द्वारा अदा की। उसके बाद सर की इजाज़त के बाद हम वापस आए, तो मैंने भी दिल में सोचा कि साला मैं भी ऐसा कुछ करूँ। पहली मरतबा हमारे पलस खेड़ के दोस्तों ने भी हमको मेरे को सपोर्ट किया और कहा कि देखो, अपन हर साल त्यौहार के मौके पर शिवपुर में की दावत हम लोग गाँव के लोगों को भी दिया करेंगे और हर त्यौहार में हम मिलजुल कर वो एक काम करा करेंगे कि हमको क्या करना है। कोई भी त्यौहार हो, चाहे गांव में हो, चाहे इधर हो, चाहे कोई समाज में हो, तो हम एक साथ मिलकर हर त्यौहार को करने वाले और मिलकर करेंगे। और ये मेरी तो समझो दिल से ये नीयत है। उत्तर महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा।